कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहाँ रम। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Pauliar. एंड आई एम श्योर कि आप लोग ने ऐसे वाले वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे एंड आप लोग सोचते होंगे कि इसको एडिट कैसे किया जाए। वैसे तो मैं लैपटॉप में एडिट करता हूं, बट आज मैं आप लोगों को एस्थेटिक वीडियो फ़ोन पे स्मार्टफोन पे कैसे एडिट करते हैं वो बताऊंगा। एंड बहुत ही उम्दा दो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी आप लोग को बताने वाला हूं। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर से देखना, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि आप लोग अपने फ़ोन पे ही कैसे एस्थेटिक वीडियो को एडिट कर सकते हो। नो मैटर आपके पास आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो, आप दोनों में से कोई भी यूज़ करते हो, आप लोग ईजिली उसको एडिट कर सकते हो, वो भी बहुत ही क्लासी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एस्थेटिक का मतलब अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एस्थेटिक का मतलब होता है कि प्लीजेंट। तो मैं क्या करने वाला हूँ आज, एस्थेटिक एंड लोफी दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर एडिट आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने वाला है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले है VN ऐप एंड सेकेंड आपको प्रीक्वल ऐप चाहिए होगा। तो दोनों ही आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, टोटली फ्री है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सो फ्री में आपका काम हो जाएगा। तो दोनों को डाउनलोड कर लेना एंड अभी ओपन कर लेते हैं हम अपने VN ऐप को। तो VN ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यूज़िक पे आपको जाना है एंड हमको म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी वीडियो से आपको म्यूज़िक निकालना है। तो हम पहले म्यूज़िक को निकाल लेते हैं, हम चले जाएंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो और जो भी हमारा वीडियो रहेगा उसको क्लिक करेंगे जिससे हमको म्यूज़िक चाहिए, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फोल्डर में। तो यहाँ पर डन दिखा रहा है, हम ओपन कर लेंगे एस्थेटिक फोल्डर को एंड यस यहाँ पर हमारा म्यूज़िक हो गया डाउनलोड। सो गाइस देखो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, अपने फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे, तो हम चले जाएंगे मेन मेन्यू में एंड प्लस को दबाएंगे, फिर जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट्स में एंड उसके बाद आपको जो भी फाइल्स चाहिए होगा उसको आप एक एक करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। फिर आपको क्लिक कर देना है न्यू प्रोजेक्ट्स पे एंड फिर यहाँ से आपको अपना जो भी फाइल्स है उसको एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक फ़ोल्डर बना के रखा था ताकि मुझे आसानी हो फाइल सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पर आप वीडियो को लॉन्ग टैप करके प्लेबैक चेक कर सकते हो कि वीडियो कौन सा है, प्ले करके देख सकते हो। तो हम अभी वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड नीचे जो आपको ब्लू कलर का एरो दिख रहा है इसको हमको क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। अभी हम आ गए हैं हमारे टाइमलाइन पे। तो यहाँ पर ये जो वीडियोस दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन। अभी हम म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं म्यूज़िक पे जाके, और हमने जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ था हमारा सॉन्ग एस्थेटिक फोल्डर में है, उसको क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से ये प्ले करके चेक कर लेते हैं, सही है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ नीचे की तरफ जो आपको बीट्स दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, आपकी वीडियो को और भी ज़्यादा एनहेंस करता है, क्योंकि ये जहाँ पर भी बीट चेंज होगा ना वहाँ पर आप मार्किंग लगा सकते हो एंड उससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो हम लोग चलो इसको बीट को क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पर ये पैनल खुल के आ गया है, जहाँ पर यहाँ नीचे आपको एक रेड कलर का फ्लैग दिख रहा है। तो जहाँ पर भी बीट होगा, बीट चेंज होगा या फिर बीट ड्रॉप होगा, हमको वहाँ पर मार्किंग करना है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी केयरफुली सुनकर जहाँ पर भी बीट ड्रॉप हो रहा है, बीट चेंज हो रहा है, वहाँ पर मार्किंग लगानी है। तो हमको ये काफ़ी अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट बीट लगा दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अभी अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम ये बीट को रिमूव कैसे करें, तो हमको ना इसको टैप करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो काफ़ी इजी है डिलीट करना भी। अभी यहाँ पर बीट लगा देते हैं, यस। तो आप देख सकते हो जहाँ पर भी ये क्लिक होगा तो ये पंप हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि सही जगह पे जो हमने मार्किंग किया है सही जगह पे मार्किंग हुई है। तो आप रिकमेंडेड है कि ईयरफोन्स पहन के जब भी ये करो तो ईयरफोन्स पहन लो, ताकि आपको बहुत ही प्रॉपर्ली सुनाई पड़े म्यूज़िक एंड उस हिसाब से आप बीट लगाओ। तो यहाँ पर देखो 3 बीट है तो मैंने 3 मार्किंग लगाई है। तो वैसे ही आप ईयरफोन्स लगा के सुन के अच्छे से ये एडिट करना। अभी चलो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस बीट लगाने का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। फिर से चले जाते हैं हम वापस से हमारे टाइमलाइन पे। अभी टाइमलाइन पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा है, कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है, हम टाइमलाइन को जूम इन कर सकते हैं, जितना बड़ा हमको चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं एंड फिर प्रॉपरली हमको देखने को मिल जाएगा। देखो आप, मैं जूम इन करके आपको बताता हूँ। देखो ये जूम इन हो जाता है, आपको बस 2 फिंगर से इसको जूम करना होता है। तो ये जूम इन हो गया एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे स्पीड के ऑप्शन पे। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको जो भी वीडियो शूट करना है ना, वो स्लो मोशन में शूट करना है या फिर जो भी हायर आपका फ्रेम रेट है, जैसे कि मैंने ये सब ऑलमोस्ट 120 FPS पे शूट किया है, स्लो मोशन पे शूट किया है। अगर आप स्लो मोशन में शूट नहीं करते हो तो आपको एटलीस्ट 60 फ्रेम पर सेकंड में शूट करना होता है, जो कि आजकल सारे फ़ोन ही करते हैं। उससे क्या होगा ना, जब आप फुटेज को स्लो डाउन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको जो भी क्लिप शूट करना है स्लो मोशन में शूट करना है या फिर मिनिमम 60 FPS पे आपको शूट करना है। तो चलो भी आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ डॉट डॉट है और एक लाइन बना हुआ है। तो ये लाइन के अगर आप ऊपर ले जाओगे ना तो क्लिप्स फास्ट हो जाएगी, और अगर आप ये लाइन के नीचे ये जो डॉट है इसको ले जाओगे तो क्लिप्स स्लो डाउन हो जाएगी। तो एज़ हमने स्लो मोशन पे शूट किया है तो हमको ज़्यादा स्लो तो चाहिए नहीं, तो हम क्लिप को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं और स्लो तो है ही ये, तो वैसे काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो तो ये काफ़ी सही बन रही है। तो ये ऑलमोस्ट बन गया है। अभी हमको ये क्लिप लंबी है तो हमको इतनी लंबी क्लिप तो चाहिए नहीं, तो हमको क्या करना है, ये स्प्लिट का ऑप्शन जो कैची का आपको आइकन दिख रहा है इसको क्लिक कर देना है, जो पोर्शन में आपको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर ये पोर्शन को हमने स्प्लिट करके डिलीट कर दिया है। तो अभी चलो हम ये नेक्स्ट वाले क्लिप को एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये नेक्स्ट वाले क्लिप को भी एडिट कर दिया है। तो ये फास्ट, स्लो एंड देन नॉर्मल। एंड ये भी क्लिप हमको ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, तो जहाँ तक चाहिए हम वहाँ तक लेके बाकी हम इसको स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। तो ऐसे ही करके हमको बाकी सारे क्लिप्स को एडिट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्किंग के ये थोड़ा सा आगे चला गया है, तो उसको भी स्प्लिट करके हम डिलीट कर लेंगे। तो मार्किंग करने का ये एक फ़ायदा है कि आपको क्लिप्स कहाँ तक रखनी है यहाँ आपको पता चल जाता है। तो जहाँ भी आपको क्लिप चेंज करना है मार्किंग के अकॉर्डिंग आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से हम स्पीड को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही करके हमको पूरे टाइमलाइन पे एडिट ख़त्म करना है। तो चलो मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग का भी थोड़ा टाइम सेव हो जाए। तो गाइज़ अगर आपको क्लिप का जो सीक्वेंस है उसको चेंज करना है, आगे पीछे ले जाना है, तो आपको क्लिप के ऊपर लॉन्ग टैप करना है एंड फिर उसको आपको जहाँ पे भी पोजीशन करना है वहाँ पे आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो क्लिप अकॉर्डिंगली आप आगे पीछे कर सकते हो, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मैंने कैसे क्लिप को पीछे कर दिया आगे कर दिया, तो वैसे ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम इसको स्प्लिट कर देते हैं एंड बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है ये नहीं चाहिए हमको, ये डिलीट कर देते हैं हम। तो हमारी क्रॉपिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लास्ट में ये पार्ट आपको भी डिलीट कर देना है, जो कि वो प्री डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो अभी बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप के ओर। तो यहाँ पर हमको ट्रांजिशन लगाना है। तो ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको क्लिप्स के बीच में जो प्लस का साइन दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करते ही आपको ये विंडो पॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स है, यहाँ से आप चूज़ करके लगा सकते हो। तो मैं लगाऊंगा जूम वाला इफ़ेक्ट, और इसका ड्यूरेशन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू माई क्लिप मैं ड्यूरेशन डिसाइड करूँगा कि मुझे कितना फास्ट चाहिए या फिर कितना स्लो चाहिए। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट करके लगा सकते हो। तो मैं फटफट से सारे क्लिप्स में ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। अभी जो हमको यहाँ पे इफ़ेक्ट्स का टैब दिख रहा है ना, अभी हमको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे भी हमको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, तो हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स लगाएंगे। तो चलो देखते हैं कि हमारे क्लिप के साथ कौन सा इफ़ेक्ट्स जाएगा अच्छे से। ये फ्लैश का मैंने चूज़ कर लिया है, बट ये मुझे स्टार्टिंग से चाहिए। तो मैंने इसको ड्रैग करके शुरू के 0.37 सेकेंड में लगाया है। तो देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर भी लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। आप चेंज करके लगा सकते हो हर बार अलग वाली। तो यहाँ पर मैंने एक नया सा इफ़ेक्ट लगाया। अभी मुझे यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर भी मैं एक इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। तो ऐसे करके हम पूरे क्लिप्स में ऐड कर लेते हैं फटाफट से। सो गाइज़ हमारी एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अभी हमको इसको एक्सपोर्ट करना है तो हम चले जाएंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट पे एंड यहाँ से आपको ये ऑटो पे रहेगा तो आपको मैनुअल कर लेना है। आपको रिजोल्यूशन सिलेक्ट करना है 1080p जो कि है फुल HD और आपको FPS चूज़ करना है 60, ठीक है। और आपको बिट रेट के साथ कुछ नहीं करना है। अभी आपको इसको कर देना है एक्सपोर्ट। तो इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर लेते हैं। तो गाइज़ अब चलते हैं हम प्रीक्वल ऐप पे, ओपन कर लेते हैं प्रीक्वल को। तो ये रहा प्रीक्वल का इंटरफेस। यहाँ से आपको ये प्लस पे दबाना है एंड आपको जो भी वीडियो आपका है उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो हमारी वीडियो हो चुकी है इंपोर्ट। अभी हमको बहुत सारे यहाँ पे साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम ना जो फिल्टर का ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेंगे एंड यहाँ से हम फ़िल्टर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़िल्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़िल्टर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कौन से फ़िल्टर के साथ ये अच्छा लगेगा। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई गेस मैं यही सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो फ़िल्टर का जो आप इंटेंसिटी है उसको भी आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो हमने फ़िल्टर का इंटेंसिटी थोड़ा कम कर दिया एंड बाकी भी यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं एंड काफ़ी अच्छे फ़िल्टर्स हैं। सो गाइज़ अभी हमारा फाइनल स्टेप आ चुका है। उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमको जाना है इफ़ेक्ट्स वाले टैब पे एंड इफ़ेक्ट को क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। देखो आपको डिस्को मिल जाएगा, डायमंड मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। स्टार की इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो स्टार को। फ़िल्टर का जो इंटेंसिटी है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। वैसे स्टार का भी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे टन्स ऑफ इफ़ेक्ट्स है। और देखो मेरा सबसे फेवरेट यही वाला है सिनेमा। तो मैं इसको ही यूज़ करने वाला हूँ ये वाली वीडियो पे। तो मैं फ़िल्टर का पहले इंटेंसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ। फ्रेम को भी आप ऑफ़ और ऑन कर सकते हो। तो हम इसको ऑन ही रखेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हो चुका है हमारा वीडियो कंप्लीट। अभी इसको फटाफट से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और ढासू वीडियोस लाते रहूँगा। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कॉमेंट में मुझे पूछ सकते हो। मैं आप लोग को ज़रूर से रिप्लाई कर दूँगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। ये दो मेरा अकाउंट है, ये नीचे वाला एडिटिंग अकाउंट है एंड ये मेरा मेन अकाउंट है। तो इस पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत सारे कंटेंट डालते रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले ही ऐसे किसी और ऑसम वीडियो पे। टिल देन स्टे सेक्सी, पीस आउट।